किया गया। सुरक्षा बल ने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक उनके पास से बरामद किया। नक्सली किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा एजेंसियां पहुंची और हमारे सुरक्षा बलों ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान दंतेशपुरम और कोराजगुड़ा के बीच की पहाड़ी में पुलिस की गतिविधि देख नक्सली मौके से फरार हो गया। तो छत्तीसगढ़ में ये जो है नक्सली एक पूरी साजिश को रच रहे थे, इसको फिलहाल नाकामयाब कर दिया गया सुरक्षा बलों की ओर से, और जैसे ही उनको भड़क लगी कि पहाड़ी पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वो वहां से फरार हो गए। और इस बीच आपको बता दें, झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। कोलान जंगल में नक्सलियों का 5 किलो का आईडी बम बरामद किया गया है। एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आईडी बरामद किया गया है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए साजिश रची थी, लेकिन बम निरोधक दस्ते ने वक्त रहते बम को नष्ट कर दिया और बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। लोकसभा चुनाव में 100 से भी कम दिन का समय बचा और ऐसे में किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। चुनाव आयोग की अहम बैठक आज होने वाली है। दिल्ली के द्वारिका में 2 दिनों की समीक्षा बैठक आज से शुरू हो गई है और सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी इसमें शामिल होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्त समेत चुनाव आयोग के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर ये इलेक्शन कमीशन की जो एक बड़ी बैठक है वो आज से शुरू होनी है और दिल्ली के द्वारिका में ये बैठक होगी और निश्चित तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि पूरे देश में सफलतापूर्वक लोकसभा चुनाव करवाना ये इलेक्शन कमीशन के लिए हमेशा से बड़ी चुनौती रहती है। और इस बड़ी खबर आपको बताते हैं, बिहार के पटना से बड़ी खबर है। पटना के पास फुलवारी शरीफ इलाके में 2 महादलित बच्चियों के साथ रेप के बाद हत्या की गई है। एक बच्ची की मौत हो गई है जबकि दूसरी बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंगलवार की सुबह खेत में बच्ची का शव पाया गया है जबकि दूसरी बच्ची गंभीर हालत में खेत में मिली थी। बाद में दूसरी बच्ची को अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। पुलिस को गैंग रेप की आशंका है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पटना के पास फुलवारी शरीफ में वारदात हुई है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, कब की ये घटना है, फिलहाल कोई कार्रवाई इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए सोमवार को ये दोनों लड़की निकली थी, दोनों बच्चियां लकड़ी चुनने के लिए, और उससे वहां से गायब हो गई थी, जिसके बाद मंगलवार की सुबह एक का वहां पर शव मिला था जबकि दूसरे की स्थिति गंभीर बताई जा रही थी, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस वारदात के सामने आने के बाद पुलिस ने SIT का गठन किया है और पूरे मामले की जांच भी चल रही है। अब तक जो जानकारी सामने आई